मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू स्कोर हाई इन एसएससी सीजीएल मैथ इन लेस टाइम। हो सकता है अभी जो एग्जाम होना हो एसएससी सीजीएल 2016 से रिलेटेड, वो उसके 3 महीने से ज्यादा पड़े, मोर देन 3 मंथ्स, क्योंकि 7th अगस्त को एग्जाम है यूपीएससी का और 14 या 15th को एग्जाम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 15 अगस्त को आमतौर पे दिल्ली या बाकी जो सिटी होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, सुरक्षा के लिहाज से, सिक्योरिटी के रीजन से एग्जाम नहीं हो सकता। इसका मतलब 3rd वीक 4th वीक या फिर आगे सितंबर में एग्जाम होने की संभावना है या उससे आगे अक्टूबर तक। आप बोल सकते हैं 3 महीने से ज्यादा का समय हो सकता है आपके पास, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट लगभग 45 to 60 या 70 डेज तक सिलेबस में मैथ में एक अच्छा स्कोर करना चाहिए, स्पेशली टायर वन में, क्योंकि अगर टायर वन में अच्छा स्कोर आता है तो टायर टू में ऑटोमेटिक आ जाएगा। टायर वन और टायर टू के सिलेबस में कोई फर्क नहीं होता एसएससी सीजीएल के, सेम सिलेबस होता है, हालांकि इंग्लिश में फर्क होता है, जैसे कि नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, लेकिन मैथ में कोई फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ ये होता है कि वहां पे आपको 100 क्वेश्चन होते हैं 2 आवर्स में करने होते हैं, और टायर वन में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं और 2 आवर्स में करने होते हैं, जिसमें कि एक मैथ एक होता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं, दिस प्रेजेंटेशन इज इन हिंदी मीडियम, देयर इज अनदर प्रेजेंटेशन व्हिच इज इन इंग्लिश मीडियम, दो स्टूडेंट हु वांट टू वॉच प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश मीडियम दे कैन रेफर दैट प्रेजेंटेशन इन पिनेकल, वी मेक बोथ प्रेजेंटेशन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम सेपरेट प्रेजेंटेशन वी मेक, सो बेटर इज दो स्टूडेंट हु आर कंफर्टेबल इन हिंदी मीडियम दे शुड वॉच दिस प्रेजेंटेशन, अदरवाइज दो स्टूडेंट हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश मीडियम दे शुड वॉच इंग्लिश मीडियम प्रेजेंटेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि कैसे कम समय यहां पे इंपॉर्टेंट होगा वो हम कैसे हाई स्कोर कर सकते हैं। मैंने 5 सक्सेस मंत्र बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस रिसर्च 5 चीज बताने की कोशिश की है कि अगर आप ये 5 चीजें करें तो आपका अच्छा स्कोर होगा मैथ्स में। और ये किन के लिए? ये उनके लिए या तो वो वर्किंग है जिनके पास कम टाइम है, वर्किंग होगे, या फिर क्या है कि अभी अभी एग्जाम खत्म हुआ है, उन्होंने फॉर्म भरा हुआ था, उनको लगता है अब एग्जाम के बाद हम एसएससी की तैयारी करते हैं और 2-3 महीने बचे हुए, 3 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है और इस दौरान हमें हर हालत में क्वालिफाई करना है, एक वो कैटेगरी हो सकती है। या वो भी लोग हो सकते हैं सीजनल भी है, वो इस पर भी वर्क कर सकते हैं कि जो लगातार तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल से, तो वो भी अपना नजरिया है थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन टारगेट ऑडियंस है कि किसको मैं इस प्रेजेंटेशन के साथ टारगेट कर रहा हूं, किनके लिए प्रेजेंटेशन है, तो वो जरूर है या तो वो नए हैं या वर्किंग स्टूडेंट है, उनके पास कम टाइम है, उसमें वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए 5 सक्सेस मंत्र बताए जाएंगे इसमें, क्या 5 स्टेप्स इनफैक्ट बताए जाएंगे। इफ एनी एस्पिरेंट हु इज न्यू वॉन्ट टू टेक एग्जाम बट ही हैज हार्डली 50-60 डेज इन हैंड और इवन लेस देन व्हाट शुड बी हिज और हर स्ट्रेटजी फॉर एसएससी सीजीएल मैथ, ये मेन एजेंडा है इस प्रेजेंटेशन का। देखिए, अगर हम ऑल इंडिया की लेवल की बात करें तो लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग है वो अप्लाई करते हैं, हालांकि जो प्लस टू वाला होता है सीएचएसएल जिसको एग्जाम बोलते हैं, एलडीसी वगैरह, इसमें हो सकता है 80-90 लाख इस बार लोग अप्लाई करें, क्योंकि एसएससी की तरफ एकदम क्रेज है, काफी बढ़ गया है, बैंक की जॉब थोड़ी टफ होती जा रही है, बैंक और एसएससी में जब ट्रेड ऑफ किया जाता है तो एसएससी का पलड़ा भारी हो जाता है, और उसके बाद क्या है कि प्लस टू लेवल पे ये जो सीजीएल का तो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, प्लस टू लेवल पे तो बहुत सारे लोग और भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब 30 लाख एप्लीकेंट जरूर होंगे, बट लेकिन अगर ये देखा जाए कि क्या 30 लाख लोग तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं, तो इसका मतलब एक दिमाग में ये क्लैरिटी जरूर कीजिए पिक्चर, जिससे कि कॉन्फिडेंस का लेवल भी हाई होगा, सेल्फ मोटिवेशन भी होगा कि उनका मुकाबला, बेशक से वो नए हैं, वो सिर्फ 4-5% लोगों के साथ में, मतलब कि आप मान सकते हैं कि लगभग 80,000 से लेकर और 1.5 लाख, 1 लाख मोटा मोटी आप बोल सकते हैं, 1 लाख लोगों में उनको कंपीट करना है, और 1 लाख में
एक लाख लोग सिंसियर है कंपैरेटिवली ज्यादा, ये बोल सकते हैं, जो कि थोड़ा तैयारी करके प्रेजेंटेशन वो तैयारी करेंगे। और अगर बहुत अच्छी तैयारी करने वाले लोग हैं ऑल इंडिया लेवल पे, वो 30-40,000 से ज्यादा नहीं होंगे। देखने में आपको लग रहा होगा कि पता नहीं लोग क्या क्या तैयारी करते हैं, बस वो किताबें खरीद रहे हैं, कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं और घर पे कुछ नहीं कर रहे। ये हम सब कोचिंग सेंटर्स में देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इतने सिंसियर नहीं होते, लेकिन जो सिंसियर होते हैं वो उनके बीच में बहुत ही कड़ा मुकाबला होता है। यही कारण है कि जो मेरिट का लेवल है आजकल वो बहुत ज्यादा जा रहा है। लगभग अगर आप टायर वन टायर टू की बात करें तो 460 के आसपास आपको स्कोर जरूर चाहिए अगर आपका अपना कोई जॉब इंश्योर करनी है एसएससी सीजीएल से रिलेटेड। तो एनीवे आई एम नॉट सेइंग और डूइंग एनीथिंग बट विल एंड अप डूइंग नथिंग। और ये जो बाकी लोग हैं जैसे मैंने बताया, ये आमतौर पर क्या होता है कि बस दूसरों को देखते हैं, कमेंट करने का आदत उनको, ये बताने की कोशिश उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, मतलब लेक्चरबाजी ज्यादा होती है, काम नहीं होता इनसे। तो आप पहले तो उसमें आइए कैटेगरी में कि आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, 4-5% के अंतर्गत होंगे। माइंड में अगर ये क्लैरिटी हो जाती है आपका आधा काम होना स्टार्ट हो जाता है कि यू आर ए सिंसियर कंटेंडर। फर्स्ट स्टेप देखिए, अगर सफलता पानी है कम समय में तो कन्फर्म योर सेल्फ वेदर यू आर इन 4% और 5% और नोट, जैसे मैंने आपको बताया। इफ नोट इंश्योर दैट, अगर आप नहीं है तो इसमें आप इंश्योर कीजिए कि 4-5% में हो। कैसे करेंगे इंश्योर, कैसे कंफर्म करेंगे आप 4% आप उस लाइन में है या नहीं जॉब की? तो एक कि कम से कम आप 6 घंटे है पर आवर, 6 आवर पर आवर वो सीरियस पढ़ाई कर रहे हो, पिक्चर देखकर पढ़ाई नहीं, फेसबुक वाली पढ़ाई नहीं, सीरियस पढ़ाई, और उसमें 3 आवर्स है आप मैथ पे लगा रहे हैं। अगर जो लोग 2-3 महीने में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, कम से कम उनको ये लेवल जरूर अचीव करना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट, इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इससे नीचे तो आप ये सोचिए 4-5% आप पहले नहीं है। दूसरी बात आप देख सकते हैं, इफ नॉट फर्स्ट इंश्योर हाउ विल यू मैनेज दिस मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर आप इसमें नहीं आ रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि मैं ये टाइम कैसे निकाल सकता हूं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे का टाइम है वो डिवाइड कीजिए पर आवर, इसको टाइम मोशन स्टडी बोलते हैं, टाइम मोशन स्टडी बोलते हैं पर आवर। 4 से 5 आपने क्या किया आपका क्या शेड्यूल होगा, 5 से 6 आपका क्या शेड्यूल होगा, 6 से 7 क्या शेड्यूल होगा, ऐसे अगर जो पर आवर के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर देंगे, बहुत सरप्राइज होगा कि अभी अगर आप, हो सकता है कहीं लगे ये किस 4 से 5 क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, 5 से 6 सो रहे हैं, 6 से 7 सो रहे हैं, 7 से 8 सो रहे हैं, तो एग्जाम के लेवल पे क्या है फिर, तो आप एग्जाम में भी सो ही रहे हैं, कुछ नहीं होगा वहां पे, तो 4-5% आप नहीं है। तो इसको लाने के लिए आप अपना ये शेड्यूल फिक्स कर दीजिए, इसमें आपका 100% 6 आवर्स निकलेगा टाइम मोशन स्टडी, ये फिक्स होती है, क्वालिटी टीक्यूम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आपने टाइम डिसाइड कर दिया इसका मतलब आप उस लाइन में आ गए। दूसरी बात एक और है, एक तो ये तरीका मैंने बताया कि जज करने का कि 4-5% में है या नहीं है, दूसरा ये कि वेदर यू आर एवरेज और अबव एवरेज इन एकेडमिक बैकग्राउंड, यू शुड टेक कॉल टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम इफ यू आर रीजनेबली गुड इन एकेडमिक और कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू इट, अदरवाइज डोंट वेस्ट टाइम, कॉम्पिटिशन इज टफ, यू कैन परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन अदर फील्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने एकेडमिक बैकग्राउंड पे पीछे 10th क्लास प्लस 2 क्लास पे रीजनेबली ठीक परफॉर्मेंस दी है, एवरेज या अब एवरेज स्टूडेंट रहे, तभी आपको इस कंपटीशन में आना चाहिए, वरना ये कंपटीशन आपके लिए ठीक नहीं है। आपको फिर एक ऐसा फील्ड करना चाहिए सिलेक्ट जिसमें आप बेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर रूप तेंदुलकर ने स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर बनने की कोशिश की, जब उसको लगा कि वो फास्ट बॉलर नहीं बन सकता उसने फिर बैटिंग करनी स्टार्ट की, बैटिंग में उसने बहुत अच्छा किया, अगर वो उसके साथ चिपका रहता फास्ट बॉलिंग के साथ में तो उसका जिंदगी में कुछ नहीं होना था, वो कॉलेज लाइफ पे ही वो डेड हो जाता, और पढ़ाई में आप सोच सकते हैं कैसा था, तो आज वो कहीं का नहीं होता, कहीं मजदूरी कर रहा होता, जबकि आज के टाइम में आप सोच सकते हैं वो कहां पे क्या स्टैंड हो रहा है। तो फर्क क्या हुआ कि आइडेंटिफाई किया उसने कि मैं कहां पे अच्छा कर सकता हूं। तो कम से कम यहां पे एक रिक्वायरमेंट जरूर है कि जो बंदा एवरेज या अबव एवरेज पढ़ाई में हो,
या बहुत अच्छा उसकी बात ही अलग है, लेकिन कम से कम ये रिक्वायरमेंट हो, वरना उसको छोड़ देना चाहिए कॉम्पिटिशन की तैयारी। कोई जरूरी नहीं है कॉम्पिटिशन की तैयारी में सक्सेस ना हो, कॉम्पिटिशन में सक्सेस ना हो उनके लिए ठीक नहीं है, दुनिया में उसके लिए रास्ता नहीं है। हो सकता है और कोई बेटर काम कर ले और अपना टाइम वेस्ट नहीं करे इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे 4-5 साल काट कर लेते हैं और वो कोई भी टेस्ट करवाले हायर नहीं करते। मेरा उनसे ये निवेदन है कि आप अपने घर वालों का टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, और आप हो सकते हैं कि ऐसा फील्ड है कोई आपका जो कि बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप उस पर फोकस कीजिए, वास्तव में कामयाबी मिलेगी। तो ये कड़ा मैसेज दे दिया मैंने, मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा इसको सीरियसली भी लेंगे और नेगेटिव नहीं लेंगे। एबिलिटी टू डिसिप्लिन योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ। अब होता क्या है कि पहले 5-7 दिन तो बहुत अच्छी पढ़ाई की, टाइम शेड्यूल बना लिया, चार्ट लगा दिए रूम में, टेबल लैंप सजा दिया, सब कुछ सजा दिया, किताबें इकट्ठी कर दी, और उसके बाद क्या है कि कुछ नहीं। फिर जैसे मॉर्निंग वॉक स्टार्ट में 2 दिन बहुत अच्छा, तीसरे दिन भावना ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेम स्टोरी इसमें भावना ढूंढने की बजाय आप कंसिस्टेंसी दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप मोर देन 6 आवर पढ़ाई करते हैं, आप वो एवरेज पढ़ाई में हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, और जो मैं यहां पे स्टेप 5 बताऊंगा उसको फॉलो करते हैं, तो 100% आपका सक्सेस होगा। सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं, जो 5 स्टेप की जिक्र आ रहा है उसमें आइडेंटिफाई एंड, पहले स्टेप में हमने देखा कि किसको तैयारी इस फील्ड में मैदान में आना चाहिए, और अपने आप को अगर वो नहीं है तो कैसे आ सकता है, ये बात हमने फर्स्ट स्टेप में की। और टाइम मोशन स्टडी उसमें इंपॉर्टेंट एक टूल मैंने बताया अपने आप को मैनेज करने का। सेकंड स्टेप देखते हैं, आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज हाई स्कोरिंग चैप्टर्स, मतलब स्टडी मटेरियल। एक तो जो सेकंड से आपका स्टडी मटेरियल बहुत क्वालिटी का होना चाहिए। अब आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी सीजीएल के लेवल की अगर स्टडी नहीं की तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप बैंकिंग एसएससी आरएस अग्रवाल रीजनिंग इन चीजों में फिक्स हो गए हैं, और आपका जो असल में जो कंटेंट है टारगेटेड कंटेंट है आपके पास स्टडी मटेरियल वो नहीं है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बेटर ये है कि आपको फर्स्ट किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, किस लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज हाई स्कोरिंग चैप्टर, फिर उसके बाद ये देखना है कि आपको सबसे पहले किन चैप्टर्स पे ध्यान देने की जरूरत है। 80% जो स्कोर होगा आपके सिर्फ 20% चैप्टर से हो जाएगा। ये हर जगह पर प्रिंसिपल है, पेरेटो एनालिसिस बोलते हैं इसको मैनेजमेंट की भाषा में, ये पेरेटो आपके इस तैयारी पे भी लागू होता है। 80% स्कोर है वो 20% चैप्टर पढ़ने से हो जाता है। आप हिस्ट्री पे 1 महीना लगा दिया पढ़ने पे, पता चला वो 4 क्वेश्चन है वो 1 भी नहीं आया आपको, ऐसा हो सकता है। आपने मैथ पे लगा दिया लेकिन अर्थमेटिक पे लगा दिया पूरी जान, 2 महीने आपने अपनी जवानी के 2 महीने अर्थमेटिक पे खराब किए और उन चैप्टर्स पे जहां से 2 क्वेश्चन आए हैं और दोनों ही आपको नहीं आए। तो बेटर यही है कि आप अपने आप को ये समझें कि वो कौन से स्कोरिंग चीज है जिसपे वो फर्स्ट टारगेट करें। हाई प्रायोरिटी चैप्टर है वो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैथ की बात हो रही है तो 30 से 32 जो आपके मार्क्स हैं आउट ऑफ 50 वो आप 15-20 दिन में कर सकते हैं तैयार। उसके लिए 4 चैप्टर है आपको स्टडी करने पड़ेंगे, ज्योमेट्री मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा, इनके फॉर्मूले प्रॉपर्टीज ट्रिक्स और वैरायटी क्वेश्चंस, ये आपको 15-20 दिन में कंप्लीट करने होंगे। डाटा एंट्री प्रिपरेशन ऐसा आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करें उसी में काफी है, लेकिन मैं इसलिए यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि हमें इस चैप्टर को यह देखना है कि कहां स्कोर किया जा सकता है। तो स्कोर सबसे पहले यहां तक कि जब एग्जाम होता है सबसे पहले लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन उठाते हैं और आमतौर पर कर देते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं उसके, लेकिन अगर मैं इसको मिला दूं तो ये 5 चैप्टर हो जाते हैं जिसमें कि आपको 4 पे स्टडी करनी है, इस पर स्टडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे 30 से लेकर 34, 32 नंबर के आसपास आप बोल सकते हैं मोटे तौर पर 32 स्कोर है इसमें आप कर सकते हैं, 32 मार्क्स है इसमें आएंगे। स्कोर कितने कर सकते हैं, 25-26 नंबर इसमें ला सकते हैं, आप बोल सकते 30 स्कोर इसमें कर सकते हैं। उस ये हाई प्रायोरिटी है, अगर आप इस पे फोकस नहीं किया और अपना टाइम खराब करते रहे बाकी चैप्टर पे, पता चला आप एवरेज निकाल रहे हैं, कोई पार्टनरशिप निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं, तो वहां पे कोई फायदा नहीं है टक्कर लगाने का। कम टाइम है आपको, रिसोर्सिस टाइम एक रिसोर्सिस है, मैनेज करना होगा।
अब जो चैप्टर्स 30 to 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, उसके बाद एवरेज प्रायोरिटी, अगले 4-5 चैप्टर और कौन से हो सकते हैं वो अगले 12-15 दिन में आपको कंप्लीट कर देने। आप बोल सकते एक महीने में आपका सिलेबस 10 चैप्टर होने चाहिए, 10 चैप्टर कुछ ज्यादा नहीं होते, 10-11 चैप्टर है और 10-11 चैप्टर आपके 43-44 नंबर के आसपास बना रहे हैं। तो ये है नंबर सिस्टम, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस। फिर उसके बाद आप इनको प्रायोरिटी दे दीजिए दूसरे नंबर पे, पहले वो चैप्टर करने बाद इस पे, तो इसमें आ जाएंगे 10-12 क्वेश्चन के आसपास आपके टोटल हो गए 43-44 के आसपास। टोटल मैथ में लगभग 25 चैप्टर के आसपास बोल सकते हो आप, तो इसमें 11 चैप्टर है, इसमें से 44 हो गया, या अगर 20 भी चैप्टर मान लो, क्योंकि कई चैप्टर है अलग अलग किताबों में आपको मिक्स मिलेंगे, तो आप बोल सकते हैं बाकी 8-9 चैप्टर उससे 6-7 क्वेश्चन आते हैं। और मेरा ये मानना है कि आपको टाइम खराब मत कीजिए इसमें, सीधा फिर उसके बाद प्रैक्टिस पे जाइए और 25 से लेकर 28 दिन या जितना आप टाइम मैंने करना चाहते हैं उसके बाद आगे बढ़िए। दीज 10 to 11 चैप्टर एनफ, रेस्ट विल बी ऑटोमेटिकली कवर्ड ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेट्स। तो बाकी चैप्टर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अगर आप उन पर भी इतना फोकस कर रहे हैं इसका मतलब आप वास्तव में टाइम वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं और आपने जो सोचा था कि 1.5-2 महीने में एक हाई स्कोर बनूंगा उसकी तरफ नहीं है, आप फिर वो 3-4 साल का जो पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं और उसमें कोई सक्सेस रेट ज्यादा हो इस बात की कोई गारंटी नहीं। सेकंड स्टेप मेक ए लार्जर पिक्चर, हाउ विल यू डू इट। जो सेकंड स्टेप है मेक ए लार्जर पिक्चर, हमने फर्स्ट स्टेप में बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, अलग अलग इसके सब सेगमेंट थे ये जो हमने डिस्कस किए। अब दूसरा जब चैप्टर आता है अपने प्लानिंग बना ली कि मुझे ये चैप्टर को मैं ऐसे करूंगा, इतना टाइम निकालूंगा, ये मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया। अब सेकंड चैप्टर में आप सेकंड स्टेप में आप एक बड़े पिक्चर बना लिया अपने माइंड में, और फिर आप दूसरे, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट है वो भी करने, वो भी आप डिसाइड कर लीजिए कि कैसे करेंगे। तो यहां पर सिर्फ मैथ की बात हो रही है तो मैथ पे आप 3 आवर्स के आसपास डेली कैसे अपने टाइम को लगा सकते हैं इसमें उसकी बात हो रही है, 3 से 4 घंटे आप कैसे डिवोट करेंगे। मैथ होता है उसमें 60 to 70% टाइम होता है टोटल आपकी स्टडी का लगता है, तो इसमें आपका शेड्यूल क्लियर हो जाना चाहिए, सिलेबस क्लियर होना हो जाना चाहिए, स्टडी मटेरियल कंफर्म हो जाना चाहिए फर्स्ट स्टेप तक, और फिर आपको डे वाइज प्लान है फिक्स कर देना है। सेकंड स्टेप में डे वाइज प्लान के मैं पहले दिन ये करूंगा जो आपको बताया पीछे। जब आपका ऊपर तक ये प्रोग्राम हो गया तो मुझे लगता नहीं है कि अब आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि मुझे क्या करना होगा। थर्ड स्टेप में देखिए, जब हम मैथ कर रहे हैं तो आपको एक तो 400 वैरायटी क्वेश्चन पहचानने चाहिए, या 400 नहीं तो 200 से ज्यादा वैरायटी क्वेश्चन पहचानिए और उन पर पकड़ बनाइए। जैसे कि मान लो डिस्काउंट है, 4-5 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम, कंपाउंड इंटरेस्ट 4-5 टाइप के क्वेश्चन, इस तरह से आप टाइप ढूंढिए जिसको वैरायटी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं और उस वैरायटी क्वेश्चन के ऊपर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। इसका मतलब 400 क्वेश्चन इस पूरे मैथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर ये 400 क्वेश्चन आप 1-2 बार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस क्वेश्चन को रिविजन करना, और उसके बाद डेली रिवाइज कीजिए। इसका मतलब पूरा मैथ है आप डेली रिवाइज कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। अगर मैं पिनाकल की बात करूं तो अगर हमारी वेबसाइट पर जाएंगे आप, वेबसाइट का नाम है ssccglpinnacle.com, वहां पे आपको प्रोजेक्ट 400 से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, वहां पे 80 प्रोडक्ट्स है, आप उसमें से खरीदना चाहो खरीद सकते हैं, वरना बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप ऑनलाइन कोचिंग बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। काफी इकोनॉमिकली इसकी कोचिंग है, लेकिन डिटेल है, काफी हाईली कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, तो वो देखिए आप देख सकते हैं आप। तो 400 क्वेश्चन में आप अपना जो भी नजरिया है स्पष्ट कीजिए कि आपकी पर्टिकुलर क्वेश्चन के टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट अगर उसका बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं जो भी है आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, फिर ये बेस्ट तरीका होगा उसको कैच करने का। पूरा मैथ जब हाथ पे आ जाए कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस होता है तो आदिबाजी आप कॉन्फिडेंस के दम पे आगे की तैयारी है वो ज्यादा आसान हो जाती है फिर आपकी, और ये स्टेप आपका गेम चेंजर हो सकता है साबित, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है काफी ज्यादा हाई हो गया, एनर्जी आपकी काफी हाई हो गई है। उसके बाद देखिए फोर्थ स्टेप, अब हमने अभी तक 25 से लेकर 30 डेज का काम कर लिया, अब अगले 15-20 दिन में आप क्या करना है आपको कि प्रैक्टिस सेट कीजिए
50-60 प्रैक्टिस सेट सिर्फ मैथ मैथ से, पूरा मैथ पूरे सेलेक्ट नहीं, 200 क्वेश्चन। आमतौर पर 200 क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है जब आप करते हैं, उसके सबसे बड़ा चैलेंज आता है, आपने मान लो फॉर ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले रीजनिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद जीके, उसके बाद इंग्लिश, और आखिर 15-20 मिनट का टाइम बचता है उसमें मैथ करने की कोशिश करते हैं और 8-10 या 25-30 क्वेश्चन कर देते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये मैथ के साथ जस्टिस नहीं हुआ या आपकी अपनी प्रिपरेशन के साथ जस्टिस नहीं हो पाया है, तो इसके लिए आपको जो मैथ के अलग से 50 सेट है आप इसका निकालिए अपने, और उसके ऊपर फिर मैथ को करने के लिए 50-60 मिनट का टाइम लगता है 50 क्वेश्चन में, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको भी, और ओवाम आप इसको कीजिए, आपने सेट किया, अदारत फिक्स की, ओवर पे किया, उसके बाद अपना स्कोर टैली किया, क्योंकि आपने सारी चीजें कर रखी थी पहले, एक दो चार चैप्टर नहीं हुए थे वो उसमें कवर हो जाएंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन के साथ देखिए कि आपका क्वेश्चन कहां गलत था, क्यों गलत था, और आपकी पर्टिकुलर क्वेश्चन की स्ट्रेटजी क्या हो सकती थी जिससे कि टाइम भी रिड्यूस हो और वो आप याद रखें क्वेश्चन वैरायटी, और जो बहुत ज्यादा वैरायटी आ रही है आप लिख भी सकते हैं अलग से, ये वाला क्वेश्चन को मैं ऐसे करना है, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, 300 आपके ज्यादा नोट्स भी नहीं बनेंगे, 300-400 क्वेश्चन के नोट्स बनेंगे, लेकिन वो एक कंफर्म हो जाएगा कि आपकी स्ट्रेटजी बहुत क्लियरिटी है, क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये 50-60 क्वेश्चन सेट करने का ये अलग एडवांटेज मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये कि आप ये स्ट्रेटजी बनाते हैं बजाय कि फुल लेंथ टेस्ट करते हैं, उसमें आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में भी यही स्टोरी होनी है आपके हाथ में कि आखिर में बोले मैथ के लिए तो टाइम ही नहीं बचा, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी कि आपने टाइम मैनेज ही नहीं किया और जो शुरू से प्रिपरेशन जो प्लान थी उसमें गड़बड़ थी और कभी इस फॉर्मेट में आपने तैयारी नहीं की। तो 50 अगर कोई सेट भी करते हैं आप 50 × 50 2500 क्वेश्चन है वहां वो आप कवर कर सकते हैं, 2-3 टेस्ट डेली आप 3-4 टेस्ट आप रिकमेंड किए जाते हैं, आप बोल सकते हैं जो टेस्ट मोड में है तो आप 3-4-5 घंटे आप लगा सकते हैं, पहले आप टेस्ट कीजिए उसके बाद देखिए कहां पे गलती है और धुआंधार टेस्ट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपने सिलेबस कवर कर दिया है। आप एक चीज मैंने यहां पर इसका मतलब मैसेज ये भी हुआ कि वहां पर मैंने वैरायटी क्वेश्चन करने की ज्यादा बोला, प्रैक्टिस का वहां पर बोला नहीं था मैंने, मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको कम करना हो कम समय में कोर्स अच्छी तरह से तो आप प्रैक्टिस का इस लेवल ये वाली प्रैक्टिस करें, ये नहीं कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट करने बता दिया 200 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के वहां पे कर दिए, उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप जब दूसरा चैप्टर करोगे तब ये भूल जाओगे, लेकिन यहां पर क्या है कि सारे एकदम फ्रेश हो रहे हैं आपके पास, तो अननेसेसरी ज्यादा वहां पर क्वेश्चन मत कीजिए, पता चला आप प्रोफेशनल इंटरेस्ट 300 क्वेश्चन कर लिए और बड़े खुश हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप अपनी कब्र भी खोद रहे हैं, क्यों आपका हो सकता है नंबर ही ना इधर एग्जाम हो क्योंकि पता चला 15-20 मिनट में कुछ हुआ ही नहीं आगे आखिर में आगे, तो अगर ये वाला पैटर्न करेंगे आप तो हो सकता है ये भी हो कि एग्जाम में जो स्टार्ट करके मैथ से स्टार्ट करते पहले 50 मिनट में आपने 40 या 45 जो स्कोर है वो किया और उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो सकता है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट ने किया भी है और ऐसा एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है अगर कम टाइम वाले अवर स्टूडेंट करना चाहते हैं तो। देन अनालाइज योरसेल्फ एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स आफ्टर एवरी टेस्ट यू शुड अटेम्प्ट एट, और इसके अलावा मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 8-10 टेस्ट आप टाइप 2 की भी कीजिए, जब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ मैथ मैथ की तो यहां पे इन टाइप 2 वालों को आने दीजिए जिससे कि कॉन्फिडेंस का लेवल और हाई हो, और जब आपको टारगेट अचीवेबल लगता है किसी चीज का तो उसमें अचीव करने का जोश ज्यादा ही होता है, ये एक थ्योरी भी है मोटिवेशन थ्योरी में कि जब कोई चीज आपके नजदीक होती है सफलता के तो आप उसमें ज्यादा एनर्जी लगाते हैं और जब दूर होती है पहले हथियार डाल देते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा। फिर एक चीज मैं बताता हूं, कंपटीशन बच्चों में है लेकिन प्लानिंग में बनाने में कंपटीशन नहीं है, बहुत ही रेयर है स्टूडेंट प्लानिंग बनाकर चलते हैं, ये आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आपको एज करना है बाकी स्टूडेंट से तो आपकी क्रिस्टल क्लियर प्लानिंग होनी चाहिए और इसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप, या आप अपनी मेरी प्लानिंग अगर नहीं फॉलो करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आप अपनी प्लानिंग बनाइए लेकिन आपकी क्लैरिटी होनी ज्यादा जरूरी है, पिनेकल का स्टडी मटेरियल फॉलो करिए ये कोई जरूरी नहीं, आप अपना फॉलो कीजिए, पिनेकल में टेस्ट फॉलो करिए कोई जरूरी नहीं, आप अपना कीजिए लेकिन क्लैरिटी और फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। फिफ्थ स्टेप देखिए, जो पांचवा स्टेप है वह 15-20 डेज, अब 1.5 महीने के आसपास टाइम जा चुका है, अगले 15-20 डेज में आप फुल एंड टेस्ट कीजिए, इसका मतलब बेस्ट रीजनिंग इंग्लिश जीके
चारों वाला जो होता है वो कीजिए, जितने भी आप टेस्ट कर हर रोज अगर दो करते हैं आप तो 30-40 टेस्ट हो जाते हैं, वो भी एक अच्छा आपको सपोर्ट देंगे। सिर्फ वो सेम हो उसमें, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं एसएससी सीजीएल में वो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, और एक दायरा एसएससी सीजीएल का कोई बहुत बड़ा लंबा छोटा दायरा नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, उसी से एसएससी बार बार पूछती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे। सो इन दिस वे इन 2 मंथ्स पीरियड यू विल बी एबल टू स्कोर हाई मार्क्स। हाई मार्क्स का यहां पर मतलब है 40, 45, 48 इस रेंज में, और टायर टू में 180 प्लस। जब टायर वन में 40-45 रेंज होगी तो टायर टू में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये तो सारी स्ट्रेटजी हो गई। अब आता है कि अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते हैं और पिनेकल की सपोर्ट लेना चाहते हैं, अगर नए सपोर्ट लेना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, अगर सपोर्ट लेना चाहते हैं यू आर वेलकम। तो क्या हो सकता है, आप यहां पे एक तो क्या अलग अलग ऑप्शन है, एक इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे ssccglpinnacle.com आपको ऐसी नजर आएगी आपको साइट। ये एसएससी सीजीएल से रिलेटेड है, ऑनलाइन कोचिंग है 2016 और 2017। अगर आपका 2016 हो जाता है वेल एंड गुड, वरना आमतौर पर स्ट्रेटजी लंबी हो और कई स्टूडेंट पास ऑप्शन होता है तो वो यूज कर सकते हैं। हम आपको 2017 में भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ओनली 6000 इज कॉस्ट। इसमें मैथ रीजनिंग इंग्लिश जी के सारे वीडियो लेक्चर्स, आप कई लेक्चर है कुछ एग्जाम्पल के रूप में आप यूट्यूब पे भी देखते हैं, वरना लगभग 1000 लेक्चर 2017 तक होंगे, और अभी भी 500 के आसपास लेक्चर है जो आपको हर तरह की समस्या का समाधान करने में हेल्प करेंगे। प्लस पीडीएफ फाइल्स लगभग 90,000 क्वेश्चन कवर करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट 10,000 आप सोच सकते हैं, जीके से रिलेटेड है, अलग से एमसीक्यू है, मैथ से रिलेटेड 500 क्वेश्चन सीरीज होती है, या बहुत सारे फर्दर 400 क्वेश्चन है आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे। टायर वन टेस्ट सीरीज 100 टायर वन टेस्ट सीरीज पीडीएफ फाइल्स है, और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होते हैं 80, इंडिया में हाइएस्ट 80 टायर टू टेस्ट, जो कि जिसका कि वीडियो सोल्यूशन भी होगा, हर क्वेश्चन का वीडियो एनालिसिस और सोल्यूशन होगा टायर टू के लिए, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है हार्ड ड्राइव कोर्स, अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप हार्ड ड्राइव कोर्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव कोर्स में आपको ये हार्ड डिस्क मिलेगी, इस कोर्स है 6000, इसकी है 8400, क्योंकि इसमें हार्ड ड्राइव साथ में प्रोवाइड की जाती है, और हाई ड्राइव के जो स्टूडेंट होते हैं वो एलिजिबल होते हैं ऑनलाइन कोचिंग बेस के भी, जिससे कि वो दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। अगर आप डेली टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप इंडिविजुअल कोई टेस्ट लेना कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो 80 टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 80 टेस्ट है आपको नजर आ जाएंगे, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे पिनेकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपको लगता है आपको यूज करना चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही था, मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपके लिए एक मार्गदर्शन साबित होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, और आपको अपने तैयारी का जो तर्कस है उसमें एक एंगल जोड़ने का काम करेगी, और ये आपको हेल्प कर सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।